तो गाइस, क्या बांग्लादेश से इंडिया में एंटर करने के लिए इतना ही इजी है कि कोई पैदल ही बांग्लादेश से इंडिया आ रहा है, तो कोई एक नाव से इंडिया आ रहा है, तो कोई पुल के नीचे से इंडिया आ रहा है। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई वीजा, कोई पासपोर्ट नहीं, डायरेक्ट चलते चलते पैदल ही इंडिया क्या एंटर कर सकते हैं। सच में आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा जो कि बांग्लादेश का एक यूट्यूबर एक वीडियो यानी कि अपलोड किया है, एक ब्लॉगिंग, और वो ब्लॉगिंग करते करते ही जो बांग्लादेश बॉर्डर है उससे पार होके इंडिया में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूट्यूबर का जो नाम है DH ट्रेवलिंग इन्फो, इसी चैनल में अपलोड हुआ था एक ब्लॉगिंग। ठीक है, और भाई वो जो वीडियो आपको नहीं मिलेगा सर्च करने से, या तो फिर वो चैनल भी नहीं मिल रहा है जैसे आप यूट्यूब में सर्च करते हैं, तो वो वीडियो कहाँ पर मिलेगा जरूर मैं बताऊँगा वीडियो का जो एंड तक जरूर आप लोग। तो वैसे जो वीडियो है वहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि आप कैसे बांग्लादेश से आ सकते हैं, कौन सा रास्ते से आ सकते हैं, पूरा लोकेशन बताया गया है, कैसे आ सकते हैं वो भी बताया गया है। ठीक है, और साथ में वहाँ पे एक कोई लोकल जो बोट सवारी करते हैं यानी कि नाव चलाते हैं उनको भी पूछा गया है, तो वो भी सही में बताया है कि हाँ इंडिया से इम्पोर्ट होता है कुछ सामान जैसे कि गाय, ठीक है, कुछ दारू वगैरह ऐसा कुछ चीज़ें इंपोर्ट होता है, वो भी उन्होंने साफ साफ बताया है। जब आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो जरूर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। আমরা ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলি, সরি সরি ভাই, নামটা আমার নাম আনোয়ার। আনোয়ার ভাই উনি হচ্ছেন এই বাসতলাতে এখানে আসলে নৌকা চালান, আর এই যে এখানে ভারতীয় যে পাহাড় আছে এখানে অনেক পর্যটক কিন্তু বাসতলার শহীদ মিনারের এদিকে আসলে ভাই নৌকা নিয়ে কিন্তু এদিকে ঘুরান। আপনারা চাইলে কিন্তু এই যে লেকের মতো আছে বিশাল সুইস গেটের এদিকে উনি এদিকে ঘুরাইতে পারেন। তো আমরা একটু একটু এখানকার সম্পর্কে একটু শুনবো। ওই সাইডটা ওই সাইডটা কি ইন্ডিয়ার ইয়ে সাইড নি ভাই, চেরাপুঞ্জি নাকি? জি জি চেরাপুঞ্জি, চেরাপুঞ্জি না, জি জি মেঘালয় সাইড পড়ছে, মেঘালয় সাইড না? জি জি। আচ্ছা বুঝতে পারছি। আরে আপনার বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা ওই যে গড়টা, এই যে শহীদ মিনারের মসজিদ দেখছেন না ওইখানে, এই মসজিদের পিছনের ঘর। আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি বুঝছি। জি জি বুঝতে পারছি। তো এখানে মনে করেন যে আর একটা কিছু জিনিস আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, এদিকে ভারতীয় মালটাল এদিকে কি আসে চুরাই পথে? জি চুরাই পথে বলতে কি এগুলো সুপারি টুপারি আপনার ওই যে কোন সময় হঠাৎ হঠাৎ গরুডের নাম হয় না, গরুডের নাম হইবে কিভাবে? পানি তো বাইক টাইক আছে না, মোটরসাইকেল, ভালো ভালো মোটরসাইকেল। তো ইললিগালি যে মাইগ্রেশন হো রাহা হ্যায় ইন্ডিয়া মে, যে অবৈধ তরিকে সে যে বাংলাদেশি ইন্ডিয়া মে আ রাহা হ্যায়, ঠিক আছে, তো ও এক বহুত হি খারাপ চিজ হে হামারা ইন্ডিয়া কে লিয়ে। বেসিক্যালি গাইস কিয়া হ্যায়, যে বাংলাদেশ কা যে বর্ডার মে যে স্টেটস হে জেসে কি নর্থ ইস্ট কা যে স্টেটস হে কুছ साथ में वेस्ट बंगाल, ठीक है, और हाल ही में अभी आप लोग सुन ही पा रहे हैं त्रिपुरा में जो दंगा प्रसाद जो चल रहे हैं वो इसी के वजह से है, ये भी एक रीजन है। ठीक है, तो इसके ऊपर जरूर जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसे टाइट होना है, और इंडियन गवर्नमेंट को जरूर इसके ऊपर नज़र देना है कि क्या ऐसे भी आ सकते हैं इलीगली, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ठीक है, अवैध तरीकों से, तो ये एकदम तुरंत ही बंद होना है, नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में कन्वर्ट होने में। ठीक है, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में कन्वर्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर आप लोगों का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि जो इंडियन गवर्नमेंट है इस डिपार्टमेंट का जो लोग है उनके पास ये वीडियो चला जाए और उन लोगों को देखने को मिले कि कैसे अवैध तरीकों से जो बांग्लादेशी है वो इंडिया में एंटर कर रहे हैं और इंडिया में अपना हक जमा रहे हैं। ठीक है, और इसके चलते क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो दंगा फसाद जो होता है और ऐसा ऐसा बहुत सारा स्टेट्स है जैसा ऐसा ऐसे दंगा फसाद जो है इसी रीज़न से ज़्यादा होता है, तो ये रुकना चाहिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसे टाइट करना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है काम करना चाहिए इसके ऊपर कि कोई अवैध तरीकों से इंडिया में एंटर नहीं कर सके। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अपना राय कमेंट कीजिए, और जो वीडियो है वो वीडियो आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, विजिट कीजिए, वहाँ पे एक लिंक है, लिंक में जैसे क्लिक करेंगे तो वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पे पूरा ब्लॉग अपलोड है, और वो ब्लॉग देख के आप लोग जान ही पाएंगे कि कैसे अवैध तरीकों से बांग्लादेश से इंडिया आ सकते हैं।